राजधानी रांची में नए एसएसपी के रूप में पदभार लेने के बाद ही आईपीएस चंदन सिन्हा एक्शन में दिख रहे हैं। पुलिस और पब्लिक के बीच कैसे बेहतर समन्वय स्थापित हो, इस पर जोर दिया है। इसके साथ ही रांची में हाल के दिनों में घटित घटनाओं के बारे में संबंधित थानेदार और अधिकारियों से जानकारी ली। रांची के सभी थानेदारों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश दिया और साथ ही क्षेत्र की जानकारी के बारे में चर्चा की। बैठक के बाद जल्द ही डीएसपी रैंक के अधिकारियों के साथ अनुमंडल स्तर पर बैठक कर संगठित गिरोह और ग्रामीण इलाकों में सक्रिय उग्रवादी संगठन पर कैसे शिकंजा कसना है, इसकी रणनीति तैयार की जाएगी। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने साफ तौर पर एक संदेश दिया है कि पुलिस जनता की मित्र बनकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसा काम करे, अपनी छवि को ऐसी बनाए कि कोई रांची पुलिस पर उंगली ना उठा सके कि यह एक पक्षीय या किसी के दबाव में काम कर रही है। ये टेक्निकली क्राइम मीटिंग नहीं थी, ये हमारा एक तो इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, परिचय हुआ और साथ ही मैंने कुछ फोकस एरिया फोकस ये काम को लेकर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। हमने यह बताया कि हम हर पुलिस पदाधिकारी, हर पुलिसकर्मी क्या प्रयास कर सकते हैं कि राजधानी की पुलिसिंग आज स्थिति में है उससे थोड़ी बेहतर हो। एब्सोल्यूट्स में बात नहीं कर रहे हैं हम कोई कि भाई कि हमने ये मिरेकल कर दिया, नहीं। हम अभी जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसमें पुलिस कितना आगे अच्छा बेहतर कर सकती है, उस पर हमने डिस्कशन किया, कुछ डायरेक्शन दिया, कुछ उनसे सजेशन दिया। और जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक की स्थिति अभी फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, बहुत कुछ ऐसी है, सड़क की कमी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, गाड़ियाँ ज़्यादा है, तो ट्रैफिक का बॉटलनेक्स काफ़ी है। हम अभी थोड़ा क्या कर सकते हैं कि थोड़ा तो रिलीफ हो, तो हर दृष्टि में वो क्राइम का एंगल हो, वह जमीन विवाद का हो, वह पुलिस की संलिप्तता का हो। हमने कहा है हमारा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, हमारा वर्किंग ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और रांची पुलिस पर कोई उंगली न उठा पाए इसके लिए हम क्या अपने में परिवर्तन ला सकते हैं कि भाई तो आम जनता को कैसे सहूलियत हो और उस पर हर पुलिसकर्मी क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, उनके कंट्रीब्यूशन को हमने सीख करने का प्रयास आई होप कि कुछ फायदा होगा। बता दें कि रांची के एसएसपी कौशल किशोर का तबादला जमशेदपुर होने के बाद शनिवार को रांची के नए एसएसपी के रूप में चंदन सिन्हा ने पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर जोर दिया था और कहा कि राजधानी रांची में विशेष तौर पर महिलाओं, बच्चियों और बच्चों की जो सुरक्षा है उसे प्रमुखता से रखी जाएगी। पुलिस ऐसा काम करे जिससे किसी को यह ना लगे कि पुलिस किसी के दबाव में या एक पक्षीय काम कर रही है। पुलिस अपना काम पूरी पारदर्शिता के साथ करे और जनता के साथ एक बेहतर समन्वय स्थापित करे। जैसे पुलिस और जनता मित्र हो तो इससे खुद ब खुद अपराध पर भी लगाम लगेगा और एक अच्छा मैसेज भी जनता के बीच जाएगा कि रांची पुलिस पूरी तरह से मौजूद है। चंदन सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि वह आम लोगों के लिए 24 घंटे मौजूद है, उनके कार्यालय या फिर उन्हें फोन पर संपर्क कर सकते हैं किसी तरह की भी परेशानी होने पर। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।